गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट को फ्लो होने से रोकता है, किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने से रोकती है उसमें से, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को हम कंबाइंड कर सकते हैं दो तरह से, एक सीरीज में एक पैरेलल में। तो अभी हम पढ़ते हैं सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन मीन्स रेजिस्टेंस को R1, R2, R3, R4, R5 ऐसे ऐसे कितना भी लाइन से लगा दिया, एक V वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सीरीज की प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम करंट और वोल्टेज डिफरेंट होता है, ड्रॉप होता है, ठीक। यहाँ से I करंट गया तो बाहर भी I करंट ही आएगा, लेकिन यहाँ वोल्टेज V1 सबसे ज़्यादा मिलेगी, फिर यहाँ वोल्टेज कम हो जाएगा, इसको V2 मिलेगा, इसको V3 मिलेगा, इसको V4 मिलेगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता रहेगा, कम होता रहेगा, मीन्स सबसे लास्ट वाले को सबसे कम वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो वोल्टेज V1, V2, V3, V4, V5 एंड सो ऑन है, ये इस V का ही तो सम होगा, यहीं से ये सारे वोल्टेज निकल रहे हैं। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ठीक है। एंड हम जानते हैं V का फॉर्मूला क्या होता है, IR। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, IR इक्विवेलेंट V1 को IR1, IR2, IR3, IR4 एंड सो ऑन, ठीक। और ये आर इक्विवेलेंट क्या है दोस्तों? आर इक्विवेलेंट है अगर हम चारों रेजिस्टेंस को जोड़ के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाएं, है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट, ठीक। तो ये वही आर इक्विवेलेंट है, आई यहाँ से कॉमन हो, आई यहाँ से कॉमन हो, आई कट गया, तो आर इक्विवेलेंट क्या हुआ? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और इसके साथ ही इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए, हमने चार रेजिस्टेंस लगाया, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 1 ओम और 5 ओम, 2, 3, 1, 5, चारों लाइन से लगा दी, एक बैटरी लगा दी हमने, कितने वोल्ट की? 22 वोल्ट की बैटरी। अब भाई, अगर हमसे ये बोले कि इन चारों का इक्विवेलेंट बताओ, मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दो जो इन चारों को कंबाइन करके मिले, तो सीधी सी बात है, हमने सीरीज में पढ़ा था, यहाँ पे इन चारों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, है ना, जरा जोड़ देते हैं। तो इन चारों को हमने जोड़ दिया, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 5, 3, 8, 9, 10, 11, 11 ओम, ठीक। अब हमें बोला कि हर रेजिस्टेंस से करंट कितना जाएगा? भाई, हमें पता है सीरीज में करंट सेम ही होता है, यहाँ जितना करंट होगा वही यहाँ भी होगा, वही यहाँ भी होगा, वही यहाँ भी होगा। तो V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R, 22/11, मीन्स करंट कितना फ्लो हुआ? 2 एम्पियर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसको पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में अपना देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। थैंक यू।